फरवरी का महीना यानी कि प्यार के इजहार का महीना। अब वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो गया है। वहीं 14 फरवरी को मनाए जाने वाला वैलेंटाइन डे हर कपल के लिए खास होता है। ऐसे में हमारे बॉलीवुड में भी कई कपल्स के लिए ये वैलेंटाइन काफी खास होने वाला है। आखिर ये वही कपल्स हैं जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। शादी के बाद इन कपल्स के लिए उनका पहला वैलेंटाइन डे होगा जो वो साथ में मनाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इन कपल्स की लिस्ट जो मनाएंगे शादी के बाद अपना पहला वैलेंटाइन डे। कैटरीना कैफ और विकी कौशल। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के ट्रेंडिंग कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल की। कैट और विकी 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट में सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। शादी के बाद से ही कैटरीना और विकी हर त्योहार को साथ में मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब जब बात वैलेंटाइन डे की है तो ये दिन भी दोनों साथ में जरूर मनाना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि पहले ही वैलेंटाइन डे पर इन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़े, क्योंकि कैटरीना टाइगर 3 की शूटिंग के चलते मुंबई से बाहर होंगी। तो देखने वाली बात होगी कि विकी बाबू किस अंदाज में कैट के साथ प्यार का दिन सेलिब्रेट करेंगे। राजकुमार राव और पत्रलेखा। अब बात करते हैं असल में प्यार के हर मुकाम पर खरे उतरने वाले एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा की। इस कपल ने 11 साल के प्यार भरे रिश्ते के बाद बीते साल 15 नवंबर को चंडीगढ़ के ओबेरॉय सुख विलास स्पा रिसोर्ट में साथ फेरे लिए। राजकुमार राव और पत्रलेखा यूं तो अब तक कई वैलेंटाइन साथ में मनाते आए हैं, लेकिन शादी के बाद उनका ये पहला वैलेंटाइन है जो अपने आप में इन दोनों के लिए खास होगा। अनुष्का रंजन और आदित्य सील। एक्टर आदित्य सील और एक्ट्रेस अनुष्का के घर बीते साल शादी की शहनाइयां बजी। 21 नवंबर को एक्टर आदित्य सील ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही अनुष्का रंजन के साथ शादी की है। इनके बिग फैट वेडिंग के बाद अब ये कपल शादी के बाद अपना पहला वैलेंटाइन डे भी मनाने को तैयार है। रिया कपूर और करण बुलानी। बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर ने बीते साल 14 अगस्त को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बुलानी से शादी रचाई। रिया और करण 13 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कई बार वैलेंटाइन साथ में मनाया होगा, लेकिन इस साल ये दोनों पहली बार पति पत्नी के रूप में अपना वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। यामी गौतम और आदित्य धर। पहाड़ी ब्यूटी यामी गौतम ने साल 2021 में 4 जून को फिल्म उरी के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ सात फेरे लिए थे। यामी ने बेहद ही गुपचुप तरीके से अपनी शादी रचाई। अब जब यामी और आदित्य पति पत्नी हैं तो शादी के बाद इनका भी पहला वैलेंटाइन डे होने वाला है। एल्विन शर्मा और तुषार भिंडी। ये जवानी है दीवानी फेम एक्ट्रेस एल्विन शर्मा का भी ये शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे होने वाला है। एल्विन ने बीते साल 15 मई को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में डॉक्टर तुषार भिंडी से शादी रचाई। वैसे उनके वैलेंटाइन डे में ये दो ही नहीं बल्कि उनकी बेटी भी साथ रहेंगी। दिया मिर्जा और वैभव रेखी। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने तो बीते साल वैलेंटाइन डे के अगले ही दिन दूसरी बार शादी की। बीते साल 39 साल की उम्र में वो दूसरी बार दुल्हन बनी। दिया ने बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ 15 फरवरी को सात फेरे लिए थे, लेकिन असल में तो इस साल ही उनका पहला वैलेंटाइन होगा जो अपने आप में ही बेहद खास होगा, क्योंकि उनके साथ उनके बेटे अव्यान जो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।